कैंडी नहीं है, ये बिस्किट है। ये तीखा है, तीखा लग रहा है आपको? तीखा लग रहा है? Hey guys, welcome to our blog. आप लोगों ने जैसे कि हमारे तीज वाले ब्लॉग को प्यार दिया तो काफी अच्छा लगा हमें देखने में। और आज है गणेश चतुर्थी, तो हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। बाहर क्या, मोस्टली मुझे क्या है वो सर्च करना है कि यहाँ दिल्ली में, मतलब मेरे एरिया में पंडाल कहाँ कहाँ लगा है। तो मैं शिवानी है, अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ। सर्च करेंगे बाइक से कहाँ पंडाल लगा है, पंडाल में भी जाएंगे, बाकी फिर किसी दिन जाएंगे प्रॉपर तैयार होके। ठीक है बेटा? ठीक है, आज चलेंगे नॉर्मल, आज सिर्फ देख के आएंगे एंड उसके बाद एक बार तैयार होकर जाएंगे, दर्शन करेंगे गणेश चतुर्थी के। आप आने वाली जैसे कि विसर्जन वगैरह आएगा, कई लोग गणेश जी को घर में लाते हैं, प्लानिंग हमारी भी है बट इस बार नहीं, अगली बार देखेंगे, कभी करेंगे हम लोग। भैया मुंबई महाराष्ट्रियन लोग तो इस फेस्टिवल को बहुत मनाते हैं। शिवानी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई से बिलोंग करती है, तो इनकी तो फैमिली में, इनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चीज़ का एक्साइटमेंट है गणेश जी को लेके। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप बोर क्या हो रहे हो, अच्छा है कि बेटर नहीं चलते हैं गणेश जी के पंडाल में और करते हैं वहाँ पे मस्ती, भारी कुछ खाते पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, मार्केट भी चलते हैं, सात आठ चीज़ एक साथ करना है। और घर में कोलगेट भी नहीं है, कोलगेट मेन है क्योंकि आज मॉर्निंग में क्या हुआ, जो कोलगेट था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। तो प्लान हम लोगों ने किया चल लेते हैं, कुछ बाहर से सामान भी खरीद लेंगे, पंडाल भी देख लेंगे कहाँ कहाँ लगाए। तो चले, रेडी हैं आप दोनों? चलो। क्या चालू हो गया? आईफोन चल गया क्या बिट्टू का? चार्ज होने दो उसको, चार्ज होने दो, हम घूम के आते हैं। ठीक है, चलो। एक कंघी लेके चलोगे क्या आप? घड़ी नहीं पहने आप? घड़ी पहना दो, अरे पहना दो, नहीं पहनाओ, बेटा जब भी कहीं बाहर जाया करो घड़ी जरूर पहना करो। ठीक है, हाँ क्या चाहिए बोलो? डोरेमोन। डोरेमोन नहीं मिलेगा, पॉपेट दिलाएंगे आपको। ठीक है, बहुत तीखा है, मत खिलाओ उसको, ये तीखा है, रहने दो। चलो मैं खाती हूँ, कल व्रत था तो आज मजा लगा। हाँ हाँ मुझे लग रहा है। कैसी है बेटा फंटा? कैसा है? टीका है, टीका लग रहा है आपको? टीका लग रहा है? यहाँ पे चल रहे हैं चिली पटेटो, मोमोज खा चुके हम, इनको टीका लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा अभी ये। लगे तो है पंडाल, लग रहा है मतलब आज नहीं बिठाया होगा। अच्छा अभी तो तैयार हो रहा है, लग गया है, सब जा गए तो है यही। आशीर्वाद।
दिखाओ कैसे लग रहे हो। अच्छा क्या चलो चलो आप बेटू क्या मिला है। क्या है बेटा दर्शन? मजा आया? प्रसाद मिल चुका है बेटू को, बड़ा मजा आया। गणेश जी को देखा बेटू जी? कौन से भगवान थे? कौन से वाले भगवान थे? वो बड़े भगवान थे। तो गाइस बड़े भगवान थे। तो फाइनली हमारे एक जगह के दर्शन हो चुके हैं गीता कॉलोनी के। अब दूसरी जगह देखते हैं और कहाँ कहाँ पंडाल लगा है। एक बार फिर से आएंगे तैयार होके और पार्टी वार्टी करेंगे, यहीं पे खाएंगे पियेंगे, फैमिली वालों को भी बुलाएंगे सबको, है ना। एक बार सबके साथ आएंगे। वो देखो पहुंच गए। इसको बड़ा मजा आ रहा है, स्पेस मिल गई। ओ गाड़ी है, आओ इधर आओ, उधर आओ। ये देखो झूला है ना, क्या है झूला तो नहीं, बच्चे नहीं झूलते इस पे। चलो डांस करो। तो क्या बोला है, डोसा चलना है, डोसा खाने? नहीं, दर्शन तो हो गए गाइस। ये तो पसीने से सारा टीका फूट चुका है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, इन दोनों के लगा हुआ है टीका। मजा आया कैसे थे? अभी फिलहाल इसमें भीड़ बहुत ज्यादा कम है, अभी नहीं, फिर कभी आएंगे बेटा प्रॉपर, ठीक है। अभी तो हम सर्च करने आए थे गाइस यहाँ पे कि कौन कौन से पंडाल लगे हैं कहाँ कहाँ पे, कि अगली बार आप आए प्रॉपर तरीके से, है ना। तो अभी निकले फिर घर चलेंगे, घूमते चलना है। अच्छा सर प्लस से चलो गाइस, अभी निकलते हैं, मेरे को सामान लेना है फिर निकलेंगे घर की तरफ। ये हो चुका है हमारा सामान। ये कैंडी नहीं है, ये बिस्किट है। ये कैंडी नहीं है बेटा, बिस्किट है वो। आपको बिस्किट चाहिए कैंडी चाहिए? अभी दौड़ता हूँ मैं। बेटू कहाँ गई? ए कुछ नहीं मिला? हाँ ले लो, कुछ नहीं मिला, खाते हो तो मिला। आपको कौन सी मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। वो देखो ले ली पापा ने। मैं सेंटा ले लिया, सेंटा उसमें है, उसमें बैग में रख लिया। मैंने रख लिया, उसे दिखा दो। अंदर है क्या ज्यादा? नहीं। आओ गोद में आ जाओ बेटा, चलो पापा गोदी में ले लेंगे तुम्हें। चल बेटा, चीटिंग कर रहे हो आप? हाँ। चीटिंग नहीं करते बेटा, फ्रिज में ठंडा कर दो। अच्छा ठंडा कर दो। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे भी, कुछ देर करेंगे रिलैक्स, फिर देखते हैं खाने पीने का कैसे करना है। बट आज चिली पटेटो इतना खाया है कि मेरे तो बस का नहीं है, मैं कुछ और खाऊं। बेटा आप कुछ खाना खाओगे? नहीं। आप खाओगे? नहीं। शिवानी खाओगे आप? नहीं मेरे बस का नहीं है, 9:30 वैसे भी बस चुके हैं। अब फटाफट करता हूँ कपड़े गाइस, फटाफट करता हूँ गाइस कपड़े चेंज और फिर आराम से करते हैं आप लोगों से बातें। तो फाइनली गाइस घर पे आके थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया एंड अभी प्लानिंग है कि भाई मैं तो खाना खाऊंगा नहीं, मेरा फुल है क्योंकि चिली पटाटो हो गए थे बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा, एंड मोमोज भी ठीक ठाक थे, कोई मैं नहीं कहूँगा बहुत बिगाड़ थे, बहुत अच्छे थे, नॉर्मल थे। ये आपको तीखा कम खाते हैं ना, हम लोग ज़्यादा खाते हैं, हमारे जितना खाने लग गए।
क्या बात, बात सुन रहा, हमारे जितना खाएंगे तीखा ही। दिल्ली का तीखा कुछ डिफरेंट होता है, पता है आपको। तो गाइस खाने की प्लानिंग तो हम लोग की कैंसिल हो गई है, खाना वाना तो नहीं खाने की प्लानिंग है। एंड बेटू अपना लगा हुआ है मस्ती में ही, बाकी गणेश में नहीं कुछ नहीं खाना। गणेश जी का आगमन हो चुका है, दिल्ली में भी पंडाल लग चुके हैं, चलेंगे। और हाँ तो प्रॉपर आज तो प्लानिंग ये थी ना कि एक बार चल के देख लें कि भाई कहाँ कहाँ लगा है और कौन सा बेटर लगा है, तो देख लिया एक दो जगह देख लिए। एंड अब सबको बुलाएंगे, प्रॉपर हम भी रेडी होंगे, उसके बाद जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर लगेगा ना। आगे मुंबई में भी आ गए? मैं हाँ हर साल आते हैं मुंबई में, बहुत मजा आता है, पूरा 11 दिन का होता है ना। तो इसमें क्या महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा मनाते भी थे इस फेस्टिवल को? महाराष्ट्रियन लोगों ने शुरू ही करा था, वहाँ के लाल बाग के राजा, कितनी भीड़ होती है, शाम आरती और सब कुछ, बहुत मस्त लगता है। हम लोग तो बड़ा वेट करते थे क्योंकि वहाँ पे तो छुट्टियाँ मिलती थी पहले, जब स्कूल टाइम पे ना सबको 10-10, 11-11 दिन की छुट्टी मिलती थी, उसमें घूर के नहीं देखती। बेटर है तो गणेश विसर्जन पे मजा आएगा। अगर नेक्स्ट टाइम वही प्लान करेंगे, मुंबई ही चलेंगे। हाँ और क्या, वो टाइम पे दो तीन दिन में जगह जगह देखने, जैसे यहाँ पे वो भी लगता, क्या लगता है जो शो वाली होती है वहाँ पे, ऐसे शो वाली गणपति लगती है, बहुत अच्छी अच्छी गणपति। और पता है एक बार तो वहाँ पे गणपति आई थी, कहाँ की थी, वहाँ की एक जगह है, वहाँ पे फाइन लग गया था। उसमें क्या था, बहुत बड़े गणपति थे, मतलब जितने बड़े ये पूरी बिल्डिंग होगी ना अपनी, इतनी बड़ी बड़ी हाइट की आती है, हाइट की वजह से नहीं लगा था। उसमें गणपति जी को चड्ढा पहनाया था और शॉर्ट वो पहनाई थी टी शर्ट, तो उसके ऊपर फाइन लगे, और हाथ में मतलब वो स्कूल जाते हुए बच्चे के ऊपर दिखाया था उनको, तो फाइन लग गया। लगना नहीं चाहिए, लगा। हम तो एक तरह से भगवान को इसी तरह से मानते हैं कि भगवान जैसे देखे, हमारे लिखा भी हुआ है चीजों में कि भाई कण कण में भगवान है, तो हम अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारे गणपति जी स्कूल टाइप में जा रहे हैं, तो उसमें गलत नहीं है। ये श्रद्धा होती है अपनी अपनी, क्या परमात्मा के स्वरूप में देखते हैं। लेकिन देख रहे, हम तो देखे थे वो वाली, और हाथ में एक बड़ी सी पेंसिल और एक झोला लिए, मतलब एक पैर पे खड़े, बड़ा अच्छा लग रहे थे देखने में, अच्छे लग रहे थे। बाकी वहाँ तो बहुत फेमस फेमस लगती है, कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम मुंबई की भी प्लानिंग करेंगे और उस ब्लॉग का भी यहीं पे करेंगे। अगले साल हो सकता है हमारे घर पे आएगी, प्लान करते। मेरा प्लान अगले साल तक एक नया घर लेने का, मैं सच कहूं। अब तो आपकी तो बात ही अलग है। हम लोग अगले इस साल, भाई बोल रहा था कि गणपति जी लाते हैं, तब मैंने बोला कि नहीं अगले साल लाना, ताकि मैं भी आ जाऊं ना। अब इस बार क्या, अभी मुझे जाना है दिसंबर में, इसलिए अगले साल डन। चलो हम भी चलेंगे फिर अगले साल, दो तीन दिन के लिए घूम घुमा के आएंगे, आराम से देखेंगे वहाँ पे किस तरह से फेस्टिवल ये मनाया जाता है। फिर हफ्ते भर की छुट्टी दो दिन मिल जाएगी। हाँ तो दो तीन दिन ही चलो, आप चले जाना, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा, ऐसा कर लेना। आपको उस दिन पहले चले जाना, आप राखी पे चले जाना, ठीक है। फिर मैं गणेश चतुर्थी के आसपास आ जाऊंगा, उसमें दो तीन दिन रुक के आपको पिक करके ले आऊंगा दिल्ली, ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अभी इनकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है इनकी बहन की शादी के लिए, कोई नहीं। ये गाइस इन्होंने मंगाई है और ये चुभ भी रही थी इनको, कोई नहीं। अगर चुभ रही कोई भी चीज जबरदस्ती मत पहनो, कोई दिक्कत हो नहीं, वो करूंगी ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, कर लेना। अब वो सिंपल वाली जा रही पहन। तो गाइस इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे कि आप लोग को हमारी तीज वाली वीडियो अच्छी लगी है, मैं आशा करूंगा आप लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।